रायगढ़ में भाजपा नेता ओपी चौधरी के साथ 50 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। सभी यूरिया की किल्लत को लेकर चक्का जाम कर रहे थे। भाजपा नेता के साथ सभी कार्यकर्ता NH 153 पर चक्का जाम कर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अंबिकापुर जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोदला में दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग पुत्र ने ही अपने माता पिता की हत्या कर घर में ही शव को दफना दिया। लगभग 5 दिन बाद मृतक के भाई ने उदयपुर थाना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन खोदकर शव को बाहर निकालकर आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा जिले के बोडला थाना क्षेत्र में कच्चा मटर लेकर जबलपुर से रायपुर जा रही एक माजदा वाहन शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। माजदा व ट्रक की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि माजदा के परखच्चे उड़ गए। डायल 112 की टीम ने घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दंतेवाड़ा जिले के बचरी थाना क्षेत्र में पेड़ से लटकती हुई एक युवती की लाश मिली है। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि लाश लगभग 10 दिन पुरानी है। चेहरा पहचान न आने की वजह से अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कोरबा जिले के गेवरा खदान में जमीन अधिग्रहण होने के बाद भी नौकरी मुआवजा व पुनर्वास नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने खदान का काम बंद कर दिया। उनका कहना है कि जमीन में मिट्टी निकासी होने के बाद प्रबंधन उसे नौकरी व मुआवजा नहीं देगी। तीसरे दिन भी खदान में मिट्टी निकासी का काम बंद रहा। जांजगीर जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। वह अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई। हादसे में कांस्टेबल के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं और काफी खून बह गया, जिसके चलते उसे मौके पर ही दम तोड़ दिया। जांजगीर में शुक्रवार को एक युवक का शव कुएं में पड़ा मिला। युवक 2 दिन से लापता था। कुएं से बदबू आने पर जब आसपास के लोगों ने झांक कर देखा तो अंदर शव तैर रहा था। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। युवक की मौत का कारण अब स्पष्ट नहीं है। रायगढ़ जिले के सरिया रायगढ़ मेन रोड पर डंपर की चपेट में आकर बाइक चालक का दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गया। इस हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया। कबीरधाम जिले में गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बोडला थाना में 21 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी व चिल्फी थाने में 32 किलो गांजे के साथ भी 3 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपी गांजे को कार में लेकर रायपुर से जबलपुर की ओर जा रहे थे। बोडला व चिल्फी पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। कवर्धा के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के नियमित कर्मचारी ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नतीजन सुबह से गन्ना पेराई बंद रही। इससे आक्रोशित किसानों ने शक्कर कारखाने के सामने हंगामा शुरू कर सड़क को जाम कर दिया। सिक्स ट्री एवेन्यू चोपड़ा पेट्रोल पंप से उतई मार्ग से सड़क चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे अवैध 22 दुकानों को BSP की इन्फोर्समेंट टीम ने शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई शुरू होने के पहले दुकानदारों ने विरोध का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद होने की वजह से कार्रवाई पर खास असर नहीं हुआ। शुक्रवार को कांकेर में नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम जैसकर्रा नर्सरी के पास पिकअप वाहन पलटने से 17 लोग घायल हो गए, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। धमतरी जिले की बिरेझर पुलिस चौकी की पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 175 पौवा देसी प्लेन शराब और प्लेजर स्कूटी बरामद की गई है। धमतरी जिले में नकली खाद की बिक्री होने से अंचल के किसान परेशान हैं। नकली खाद बेचने वालों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने 4 मार्च को कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर PS एल्मा को ज्ञापन भी सौंपा।
गरियाबंद जिले के राजिम माघ पुन्नी मेले में आए साधु संतों ने दक्षिणा नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को नवापारा धमतरी मार्ग पर सोमवारी बाजार पुल के पास सड़क जाम कर दिया। उनका कहना था कि मेले में आए किसी भी साधु संत को दक्षिणा नहीं मिली है, ना ही भोजन की व्यवस्था की गई। इस बार हमारी पूछपरछ भी नहीं हुई। जांजगीर जिले में जैजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चोरभट्टी में घर से लापता किशोरी की लाश 3 दिन बाद तालाब में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भी मौके पर पहुंच गए, जहां डॉक्टर की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया गया। जसपुर जिले की नारायणपुर पुलिस द्वारा बिलासपुर में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 1 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी विकास जायसवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रायगढ़ जिले की पुलिस ने झारखंड के देवघर में छापेमारी कर 45 लाख रुपए की ठगी के मामले में 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के लोकेशन के आधार पर झारखंड की सारठ पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के कप्सा गांव में झिलुआ जंगल में साइबर अपराध करते उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बलौदाबाजार जिले के नवापारा पुलिस ने पारा गांव में 74 साल के वृद्ध को चाकू मारकर 7,000 रुपए लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 2,000 रुपए बरामद किए हैं। बलरामपुर कलेक्टर कुंदन नगर ने नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भुरने को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) और 2(3) के उल्लंघन पाए जाने पर फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कांकेर जेल में शुक्रवार को एक बार फिर नक्सलियों को उत्पात देखने को मिला। रोड बनाने में लगी 5 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना की खास बात यह है कि नक्सलियों ने इस वारदात को जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर अंजाम दिया। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक अंतर्गत बुंदेला भाटा जंगल में वन्य प्राणियों के शिकार की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में वन विभाग ने सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से बंदूक के छर्रे, बारूद व गोली के साथ अन्य सामान और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के 3 सबसे बड़े जिलों में क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के अपर सचिव के हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया कि क्राइम ब्रांच और साइबर यूनिट का गठन रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले में होगा।